हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, डबल कलर कॉम्बिनेशन में है और काफ़ी बड़ा बैग है। हमने एक पॉकेट यहाँ दी है, एक पॉकेट यहाँ दी है और एक जिप यहाँ दी है और अंदर एक पॉकेट दी है। और जिसका हैंडल है वो हमारे शोल्डर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ में है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16x16 वन पीस प्लेन क्विल्टेड, 16x16 वन पीस प्रिंटेड क्विल्टेड, 4x14 वन पीस क्विल्टेड, 7x8 वन पीस प्लेन क्विल्टेड, 7x8 वन पीस प्रिंटेड क्विल्टेड, 7x14 वन पीस क्लोथ, 26 टू पीस बेल्ट, जिप 16 वन, 7 वन टू रनर लॉन्ग पाइपिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम अपने 16x16 के क्विल्टेड पीस से। ये एक प्रिंटेड लिया है और एक प्लेन लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे। किसी भी एक साइड में जा कर के इसका एक सेंटर मार्क निकालेंगे। ये 16 है तो इसको हम 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक इसमें निशान लगाएंगे। इस पर निशान लगाने के बाद जो 7x8 इंच के एक प्रिंटेड एक प्लेन पीस मैंने बताए थे उसमें मैंने यहाँ किनारे पाइपिंग लगा दी है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिंटेड है तो प्लेन पाइपिंग लगी है और ये प्लेन है तो इसमें प्रिंटेड पाइपिंग लगी है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास प्लेन पीस है, ये जो सेंटर निकाला है, अब इसका सेंटर निकालेंगे। इसमें मैंने एक तरफ पाइपिंग नहीं लगाई है और इस सेंटर को इस सेंटर पर मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से तीन साइड से जोड़ देंगे और इधर से ओपन रखेंगे। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं। और इसको इस तरह से जोड़ने के बाद अब हम दोनों पीस को लेंगे और इसको उल्टा करके ये पॉकेट हमारी इस तरह से आनी चाहिए और दो साइड में हम इसको सिल देंगे। इन दोनों को इस तरह से सिलने के बाद अब ये जो सिलाई हमने की है इस पर हम पाइपिंग कवर कर देंगे। और इसको इस तरह से तैयार जोड़ कर पाइपिंग लगाने के बाद इसको हम इस तरह से करेंगे। दोनों पाइपिंग का हिस्सा बीच में ले आएंगे, ये पाइपिंग और ये पाइपिंग, ये जो हमने जोड़ी है, और इसको इस तरह से होल्ड कर देंगे। और यहाँ पर फिर मेजरमेंट करेंगे। ये जो जॉइंट आया है यहाँ से 4 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और 4 इंच पर इधर निशान लगाएंगे। टोटल हमें 8 इंच का डिस्टेंस चाहिए। दूसरी तरफ भी उसी तरह से मार्क कर लेंगे, 4 इंच इधर इस सिलाई से, 4 इंच इधर और इस सिलाई से 4 इंच इधर। अब जो हमारे पास बेल्ट है उसको लेंगे और लगा देंगे। तो बेल्ट पर यहाँ पर मैंने प्रिंटेड पाइपिंग एक तरफ चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं, और इसको अब हम लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के बाद बॉटम की तरफ आएंगे और ये जो जॉइंट है इसको पकड़ते हुए इसका सेंटर यहाँ निकालेंगे और इसका सेंटर इधर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद अब हमारे पास जो 4x14 इंच का पीस था तो उसको, ये पूरा 14 इंच का है, ये 4 इंच है, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख के हल्का सा कर दे देंगे इस तरह से। ये कर देने के बाद ये जो कॉर्नर आया है इसको इस निशान के साथ जोड़ते हुए पूरा बॉटम में लगा देंगे इस तरह से। और इसको लगाने के बाद इस पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे।
इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे। ये सिलाई बीच में ही रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको भी जैसे यहाँ सेंटर निकाला था बॉटम में, इसको ऊपर पाइपिंग से पाइपिंग मिलाते हुए और सेंटर निकालेंगे। यहाँ से ज़िप लगाना स्टार्ट कर देंगे। इसको हम सीधा करेंगे, रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद इसको फिर हम उल्टा करेंगे बहुत सावधानी से, जिससे कि रनर निकले नहीं। और जो इसके कॉर्नर हैं, ज़िप को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हल्का सा गोल सिलाई देते हुए डबल मशीन चला देंगे। इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा, देखने में लुकिंग वाइज कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। और अब इसमें हम लगाएंगे अपनी एक स्मॉल पॉकेट। इस पॉकेट को अब हम बैग के अंदर लगाएंगे। जो लेडीज़ को ये पॉकेट बहुत पसंद होती है बैग के अंदर, तो इसको हम लगाएंगे और ये बड़ी यूज़फुल होती है। इसमें चाबी वगैरह सेफ रखी जा सकती है, कार्ड वगैरह रखे जा सकते हैं। तो इसको अब हम खोलेंगे और यहाँ बीच में ये जो हमारा पाइपिंग है इसके सेंटर में रखते हुए यहाँ पर सिल देंगे। और ये हमारा शॉपिंग बैग कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है। एक पॉकेट दे दी है और यहाँ पर एक जिप दे दी है। पूरी काफ़ी बड़ा बैग है और साइड में ये जो हमने पॉकेट दी है, यहाँ पे आप बॉटल है, अम्ब्रेला है, कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।